कृपया ध्यान दें कि ये वीडियो केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है, कृपया इसे सीरियसली न लें। मूवी के पहले सीन में एक्शन सीन चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो भी भीड़ इकट्ठा हुई है उसमें केवल बच्चे ही क्यों दिखाई दे रहे हैं यार, वो भी सारे स्कूल के बच्चे ही दिखाई दे रहे हैं। मूवी के दोनों एक्टर किसी की धुलाई करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सारे लोग हंस क्यों रहे हैं यार? अब यार ऐसे टाइम पे कौन हंसता है यार? अब बताओ भाई, किसी की पिटाई देखकर ये लोग काफी खुश हो रहे हैं। अब मुझे लगा कि ये लोग दिमाग से कुछ ढीले होंगे, लेकिन यहाँ पर तो आंटियां भी हंस रही हैं पिटाई देखकर। वाह यार क्या बात है। रितेश पांडे अपने पैर से इस आदमी को मारते हैं, लेकिन जहाँ पैर लगता है वहाँ से तो बिल्कुल भी धूल गर्दा नहीं निकल रहा, लेकिन उसके नीचे से क्यों निकल रहा है यार? अब ये बात कुछ समझ में नहीं आई। इस सीन में डांस और पार्टी चल रहा है और इसमें कल्लू और रितेश दोनों नाच रहे हैं और पीछे भी कुछ लड़के नाच रहे हैं, लेकिन ये बंदा तो भाई अपने डांस को छोड़कर इनको ही देखने में व्यस्त है। अरे भाई, इस लड़के की नजर तो इनसे बिल्कुल भी नहीं हट रही। इस सीन में रितेश और कल्लू को गायब होते हुए दिखाया जाता है, लेकिन इस सीन में गायब होने से पहले सिक्योरिटी गार्ड सामने देख रहा होता है, लेकिन जैसे ही गायब होते हैं ये दोनों लोग, अचानक से सिक्योरिटी गार्ड साइड में देखने लगता है। इस आदमी की इस स्कूटी से टक्कर पीछे साइड से होती है और इस हिसाब से इस आदमी को मुंह के बगल नीचे गिरना चाहिए, लेकिन अगले सीन में जैसे ही कैमरा सामने से आता है, अचानक से इस आदमी को पीठ के बगल गिरा हुआ दिखाया जाता है। ऐसा क्यों यार? आप देख सकते हैं कि काफी सारे लोग यहाँ पे स्कूटी की साइड में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके पहले तो यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल खाली जगह थी यहाँ पर। फिर इतने सारे लोग कहाँ से आ गए यार? और स्कूटी की साइड में आप ध्यान से देख सकते हैं, कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और एक गमला दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही कैमरा सामने से आता है साइड में तो एक गाड़ी दिखाई दे रही है और नीचे कुछ बोरियां रखी हुई नजर आ रही है। कल्लू टॉयलेट का दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं और कुछ ही सेकंड बाद बाहर आ जाते हैं और उसमें से एक लड़की भी बाहर आती है। इसका मतलब तो यही है कि ये लड़की पहले से ही अंदर मौजूद थी, लेकिन यार इस लड़की को कुंडी अंदर से लगाकर रखना चाहिए था। भला टॉयलेट में ऐसा कौन करता है यार कि बिना कुंडी लगाए अंदर चला जाएगा। सामने से लड़की आ रही होती है और इसका एक साइड का बाल आगे की तरफ होता है, लेकिन जैसे ही ये लड़का इसके पास जाता है अचानक से इस लड़की का बाल पीछे हो जाता है। अब भाई इतनी जल्दी कैसे हो गया यार? अब यहाँ भी कुछ एक्शन सीन चल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक लड़का तो रिकॉर्डिंग करने में लग गया है यार। बताओ यार, सामने मारपीट चल रही है और इसको रिकॉर्डिंग करने में ही मजा आ रहा है। इस आदमी को रितेश पांडे मारते हैं, लेकिन आपको कहीं से भी देखकर लग रहा है कि रितेश पांडे का पैर इस आदमी से बिल्कुल भी टच हो रहा है। पैर तो बिल्कुल भी टच नहीं होता, फिर इसको चोट कैसे लग गई यार? इन लोगों की शादी हो रही होती है और पीछे दो बच्चे खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा जूम होता है अचानक से रितेश पांडे के पीछे एक बच्चा कहाँ से आ गया यार, जबकि यहाँ पर तो कोई बच्चा था ही नहीं। और यहाँ से दोनों बच्चे गायब हो जाते हैं। यहाँ पे शायद कुछ घर का फंक्शन चल रहा है और यहाँ पे कुछ लड़कियां डांस करती हुई नजर आ रही है और साइड में कुछ औरतें भी खड़ी है जो की काफी खुश नजर आ रही है, लेकिन ये लड़की इतना गुस्सा क्यों हो रही है यार? ये ट्रक एक पक्की सड़क पर चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही अगला सीन आता है ये ट्रक तो कच्ची सड़क से आती हुई नजर आ रही है और सामने एक वैन दिखाई दे रहा है जिसमें केवल एक लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी सीट पर कोई भी बैठा हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही कैमरा जूम होता है यहाँ पर तो दो लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इस वैन का साइड वाला शीशा बंद नजर आ रहा है, लेकिन अगले ही सीन में अचानक से इसमें दिखाया जाता है कि शीशा तो खुला हुआ है। यार ये क्या हो रहा है यार? और अगले सीन में इस ट्रक से इस वैन की टक्कर होती है और जिस हिसाब से टक्कर होती है इस हिसाब से तो वैन को आगे जाना चाहिए, लेकिन ये ऊपर क्यों जा रहा है यार? और टक्कर भी काफी जोरदार होती है, लेकिन यहाँ पर इस साइड में कोई भी स्क्रैच कोई भी डेंट आया ही नहीं गाड़ी पर, ऐसा कैसे हो सकता है यार? और यहाँ तक कि इन दोनों को भी ज्यादा चोटें नहीं आई है जबकि इन्होंने सीट बेल्ट भी नहीं लगाया था। ये आदमी ऊपर से नीचे जंप करता है, लेकिन जमीन पे गिरने से पहले ही इतना धूल क्यों उड़ा है यार? जबकि इस सीन में आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये आदमी अभी भी जमीन पर गिरा ही नहीं है, फिर भी धूल उड़ने लगा। और आप ये भी तो देख लो, ये आदमी गिरेगा इस जगह पर, धूल उड़ती हुई नजर आ रही है इस तरफ से। अब यार देखो ना, कोई भी आदमी इस बाइक से बिल्कुल भी टच नहीं होता, फिर भी इन आदमियों को चोट कैसे लग गई यार? और यहाँ तक कि ये सारे आदमी उड़ने भी लगते हैं, लेकिन जैसे ही इसी सीन को ऊपर से दिखाया जाता है यहाँ पर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है यार, जबकि इतने सारे आदमी थे, कहाँ चले गए सारे के सारे? कल्लू जब इस आदमी को मारते हैं तो इस आदमी के शरीर से इतना ज्यादा धूल क्यों निकल रहा है यार? अगर हम इस सीन को ध्यान से देखें तो ये पता चलता है कि इस आदमी के पीठ पे पहले से ही धूल गर्दा नजर आ रहा है, वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। अब यार आप देखो ना, इसके पीठ पर इतना ज्यादा धूल गर्दा कहाँ से आ गया यार? अब यार इस मूवी में जहाँ जहाँ भीड़ लग रही है वहाँ पर तो सारे बच्चे ही दिखाई दे रहे हैं। अब ये क्या है भाई? अब ये कौन सा चमत्कार हो रहा है? अब यार इसमें क्या हो रहा है? कल्लू जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और ये आदमी घिसते हुए नीचे से आगे बढ़ रहा है। रितेश पांडे इस आदमी को मारने वाले हैं, लेकिन मारने से पहले ही इसके शर्ट पे काफी धूल दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही मारने लगते हैं उससे एक सेकंड पहले ही अचानक से ये धूल गायब हो जाता है। अब ये कौन सा जादू है यार? उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और भोजपुरिया अंदाज में सब्सक्राइब करना तो ठोक दे।